श्री गणेशाय नमः। संकट चौथ व्रत में सबसे महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त। यदि हम चंद्रमा को शुभ मुहूर्त में अर्घ देते हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही हम अपने व्रत को खोलते हैं तो कहा जाता है शास्त्रों में आपका व्रत पूरी तरह सफल होता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलता है, आपके परिवार में आने वाले संकटों का भी अंत हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे आज चंद्रमा है जो कितने बजे निकलेगा, आपके शहर का क्या समय है और आपको चंद्रमा को अर्घ कब देना है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन जरूर करते हैं, यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस पर आपको व्रत त्योहारों के विधि विधान और शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार ही बताए जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कमेंट बॉक्स को आज खाली ना छोड़े, कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः या जय श्री गणेश जरूर लिखें, भगवान गणेश की कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण जरूर होंगी। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे आज चंद्रमा है जो करीब रात 9:05 पर निकलने वाला है। ये सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत, जिसमें बात करें तो असम है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों में देखने को मिलेगा। बाकी राज्य की बात करें तो 9:05 से लेकर ये 9:30 तक दिखाई देगा, यानी कि 9:30 तक। तो ये जो समय है चंद्रमा के उगने का राइट समय है, इसी समय के अंदर आपको चंद्रमा के दर्शन हो जाएंगे। चंद्रमा के दर्शन के बाद ही आपको चंद्रमा को अर्घ देना है, इस बात का भी खासा ध्यान रखें। पूर्व में चंद्रमा को अर्घ देने से पूर्व आप लोग थाली को अच्छे से सजा लें और जो तांबे का लोटा है उसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं इसकी वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। कुछ ऐसी सावधानी होती हैं जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, उस समय हमें वो गलतियाँ चंद्र पूजन के दौरान नहीं करनी होती हैं। तो ये तो था चंद्रमा के पूजन का शुभ मुहूर्त। अब बात करते हैं आपको अर्घ कब देना है। कहते हैं शास्त्रों में कि उगते हुए चंद्रमा को अर्घ देना ही सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त होता है। दोस्तों